हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल रेसिपी बुक में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ तिल मावा के लड्डू। इन लड्डुओं को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तैयार किया है, तो आप भी इन्हें जरूर ट्राई करें। तो शुरू करें से बनाना। घर पर लड्डू तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 150 ग्राम जितने तिल। अगर आप इन्हें कप से मेज़र करेंगे तो ये एक कप जितने तिल हैं, और इन्हें मैंने पहले से ही छान कर रखा हुआ है, तो आप तिलों को हमेशा छानने के बाद ही यूज़ करें। इसी के साथ मैंने लिए हैं यहाँ पर 150 ग्राम जितनी तगार। तो जितने मैंने यहाँ पर तिल ली हैं उतनी ही सेम अमाउंट में तगार ली है। तगार से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नॉर्मली हम सब लड्डू बनाने के लिए चीनी को पीस कर यूज़ करते हैं, बट आप अगर तगार से इसके लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होंगे। और आप चाहें तो तगार की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ बारीक कटे हुए बादाम, ये टोटली ऑप्शनल है। साथ ही लिया है 200 ग्राम जितना मावा। इन सभी का अमाउंट आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जितने भी आपको लड्डू बनाकर तैयार करने हों। तो सबसे पहले हम तिलों को भूनेंगे। तो तिलों को भूनने के लिए हम इसे एक कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें इस तरीके से चलाते हुए तिलों को हल्का सा भून लें। तिल जो है वो बहुत ही जल्दी भूनकर तैयार हो जाती हैं, इसीलिए आप इन्हें हमेशा मीडियम गैस की फ्लेम पर ही भूनें, और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनें। ज़्यादा भूनने से तिलों का टेस्ट कड़वा हो जाता है। जब तिल का कलर इस तरीके से हल्का डार्क हो जाए तभी आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और कढ़ाई को ठंडा होने तक इसे इस तरीके से चलाते रहें। तो अभी हमारे तिल एकदम भुनकर तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इन तिलों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो वहीं हम गैस पर दूसरा पैन रख लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। मावा को इस तरीके से क्रम्बल करके इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे इस तरीके से चलाते हुए मावा को हल्का सा भुनने दें। याद रखें, आप लड्डुओं को कभी भी कच्चे मावा में बनाकर तैयार ना करें, उससे आपके जो लड्डू हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और साथ ही आपको बनाने में भी काफ़ी परेशानी होगी। तो मावा को हल्का सा इस तरीके से भून लें। अभी मावा भी अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मावा को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और इस मावा को अभी हम कुछ सेकंड के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब मावा ठंडा हो जाएगा तब इसे एक बार चला दें। याद रखें, मावा को आपको एकदम लाल नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनें। और इसमें ऐड कर देंगे तिल। तिलों को भी मिला दें इस तरीके से। मैंने इसमें तिलों को ठंडा होने के बाद ही ऐड किया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे तगार। थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से तगार को मिलाएं। याद रखें, हमेशा तिल और मावा के मिक्सर को ठंडा होने के बाद ही इसमें तगार को मिलाएं। अगर आप गर्म गर्म मिक्सर में तगार को मिला देंगे तो ये जो मिक्सर है वो काफ़ी लूज़ हो जाएगा और लड्डू बनाने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैं इसे इस तरीके से हाथों से मिला रही हूँ। तो एक बार लड्डू बनाकर देखेंगे, तो अभी इसके लड्डू अच्छे से नहीं बन रहे हैं। तो आप इस तरीके से दोनों हाथों से दबाते हुए इस मिक्सर को मिलाएं। इस तरीके से मिलाने से आपके जो लड्डू हैं वो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो पहले मिक्सर को अच्छे से दबाते हुए मिला लें। अब हम थोड़ा सा मिक्सर हाथों पर लेकर इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके के एकदम मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। लड्डुओं का साइज़ आप पर डिपेंड करता है, आप जैसे भी लड्डू बनाना चाहें, छोटे या बड़े। और इसी तरीके से हम और भी सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे। सभी लड्डुओं को इस तरीके से मीडियम साइज़ के बना लेंगे हम। तो यहाँ मैंने सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। तो है ना फ्रेंड्स, इन लड्डुओं को बनाना कितना आसान, और साथ ही ये देखने में और खाने में दोनों में ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो इस संक्रांति पे, अदरवाइज सर्दियों में जब भी आप इन्हें बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसी के साथ मैंने तिल से बनी हुई और भी काफ़ी रेसिपीज़ अपने चैनल पर शेयर की हैं, जैसे कि गुड़ तिल चीनी की गजक, मिल्क पाउडर की बर्फ़ी, आटे और तिल के लड्डू। तो अगर आप इसमें से भी कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है,
आप चाहें तो वहाँ से देख सकती हैं। और साथ ही आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।